हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, आज मैं आई हूँ मेरे पीहर, मेरे एक भाई की शादी है और मैं और एसपीजी हम दोनों आए हैं। मैं नहीं आई हूँ, ये मुझे लेके आए हैं और हम दोनों आए हैं केटीएम पे। और ये है हमारा पुराना घर, मतलब मेरे पापा का पुराना घर। हम लोग यहाँ पे रहते थे और जो पहले वाले व्लॉग में बताया था वो मेरे दादा दादी का पुराना घर था। और ये पापा का पुराना घर है, हम लोग यहाँ पे रहते थे आज से 5 साल पहले। और अभी हम जा रहे हैं शादी, और शादी वाला घर है उधर, तो हमने गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी है और अभी हम चल दिए पैदल पैदल। आप कुछ बोलना चाहोगे? गर्मी बहुत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोग मुझे बोलते हैं कि आप मारवाड़ी में बात करो, आप क्यूट लगते हो। सो गाइज, मारवाड़ी में के बात करूं, मारवाड़ी अलग है सब। समझ नहीं आवे कि नहीं समझ नहीं आवे अगर मारवाड़ी में बात करी तो। और इधर देखो, ये लोग आ रहे हैं बसों में चढ़ चढ़ के हलवा खाने के लिए, हम भी जा रहे हैं दोनों। और इधर टेम्पू ओवरलोड होके आ रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। और एक इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली है मैंने, इनके तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं लगता। देखो अभी यहाँ पे शायद थोड़े दिन पहले बारिश भी हुई थी, इसलिए थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, नहीं तो एकदम सूखा दिखता है। यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। और ये है हमारा खेत, वहां से लेके वो जो दोरा दोरा सा दिख रहा है ना, वहां से लेके ये जो रूम जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ से लेके। और ये देखो, ये टंकी वगैरह है, इसमें पानी सूख गया है। इन चीजों पे सरकार को काम करना चाहिए। देखो ये बेचारी गायें प्यास मर रही है, और ये देखो सूख गई है। ये इसको सूखे कम से कम मैंने 15 साल हो गए हैं, और पता नहीं सरकार कौन सी चीजों पे काम कर रही है। चलो छोड़ो, अपने क्या लेना, अपन तो हलवा खाने आए। सो ये है शादी वाला घर, आपको दिखा हो तो थोड़ा थोड़ा टेंट दिख रहा है इधर। तो आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, वैसे ये ड्रेस मेरी सासू माँ की है, मैं आपको बता दूँ, पर मेरे फिट आ गई है, मैंने पहन ली। पता ना आपको कैसी लगी राजस्थानी ड्रेस। गाइस ये है मेरी भाभियां, बोल। तो आप मेरी फ्रेंड भी है और भाभी भी बन गई। पहले मेरी फ्रेंड बनी, पच भाभी बनी। हाय दोस्तों, बोलो गाइस। वेट करते करते अब मेरे मम्मी और सिस्टर वगैरह सब आ गए हैं। पधारो पधारो, जीवनो है तो बैगा आओ। ए उबा बिंद राजा कोई बनिया।
मम्मी देखे तो गाइस है मेरे बुआ है वो छोटा बुआ है वैसे ना बोलूंगा और ये कैलाश भी आ गया हेलो आए तो कर दो ये कैलाश तो बोलते हैं ना बच्चों को स्कूल भेजते हैं हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं इनको बिल्कुल बोलना नहीं आता बोलते कैसे इनको पता नहीं है जल्दी रोटी गाइस हम लोग खाना खा के आ गए हैं और अभी चलो आपको घर दिखा देते हैं अंदर से ये है जान ये पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा खेल के बड़ी हुई हूँ मैं तो अभी ऐसा हो गया और ये मिट्टी और गोबर का बनाया हुआ था रूम और इसमें पहले रखते थे बाजरा वगैरह और भी जो सामान था वो और छोटू सा गेट लगा हुआ है इसका और पैसे वगैरह भी इसी में रखते थे छुपा के पैसे घी और ये है झोपड़ा इसमें बनाते थे रोटियां अभी तो ये पूरा नीचे आ गया है अंदर कोई हुआ तो आओ गाइस ये अंदर से ऐसा दिखता है मतलब मैं अंदर नहीं जाऊंगी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है ये देखो आप इधर रोटियां बनाने का और उधर वो हाथ से आटा पीसने के लिए इसको बोलते हैं घट्टी और ये झोपड़ा ऐसा ये देखो बहुत ज्यादा पुराना हो गया अब तो अभी मैं कहीं गिर ना जाऊं और ये है पानी पीने के लिए खेती वगैरह करते हैं उस टाइम इसमें पानी ठंडा रहता है तो इसको साथ में लेके जाते थे पानी पीने के लिए और ये कचरा कचरा ये आपका ससुराल है आप आई हुई हो ना यहाँ पे एक बार शादी से पहले एसपी जी यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पापा से मिलने ये है एक रूम और ये है दात्री और ये फिर से जाल बहुत ज्यादा हमारे घर में पिल्लू लगे हुए नहीं है पिल्लू नहीं लगे हुए इसमें और यहाँ पे था मंदिर माता जी का अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है नए वाले घर में है और ये है नीम का पेड़ और इधर भी ये बाथरूम वगैरह टूट गए हैं सब और इधर बाहर है टांका बना हुआ दूर दूर तक हमारा खेत है वहां तक अबे चलते हैं वापस चलो देख लिया ये इधर एक और बाथरूम है और इसको बोलते हैं ओटी ओटी कार नहीं है ये इसमें चारा डालते हैं गायों को बहुत ज्यादा
मैं ये चलाऊंगी, ये मेरी ओडा होनी। पैर तो नहीं बहुत रहा। एक दिन मैं भी चलाना सीख जाऊंगी, सबको पीछे छोड़ दूंगी। ये बहुत ज्यादा भारी है, मेरे बस की बात नहीं है। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। घुमा लो आप, मेरे को बहुत मजे आते हैं ऐसे, चलानी नहीं आती, क्या करूं। चलो अब मैं बैठ जाता हूँ।